अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलक तौसीफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी टॉक्स। और आज हम मौजूद हैं ये अताबाद लेक के बिल्कुल साथ ही। एक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं फेस्टिवल था यहाँ पे, और जो है बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ से ये फेस्टिवल कैंसिल हो गया। इंतज़ाम कम्प्लीट थे, ये आपको नज़र आ रहा है रोशनियाँ, और आपको चेयर्स भी दिखाते हैं, काफ़ी सारी चेयर्स भी इन्होंने लगाई हुई थी। और ये इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे फेस्टिवल होता है सर्दियों में, ये बर्फ़ के ऊपर है, और मैं इस वक्त बर्फ़ के ऊपर ही चल रहा हूँ। और सर्दी जो है इस वक्त बड़ी हद से ज़्यादा हो चुकी है, और बड़ी ठंड भी है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, सभी को लग रही है। लेकिन चूँकि हम नीचे आए थे तो सोचा आपको भी ये मनाज़र दिखा दें। ये देख लें, ये बिल्कुल जंगल में मंगल बनाया हुआ है इन्होंने। और ये देखें मेरे पीछे आपको ये चेयर नज़र आ रही हैं, ये अभी कैंसिल हो गया। ये बता रहे थे भाई कि गुलकन जो जगह है वहाँ पे दो मैच हो रहे हैं, ये इसके ऊपर ही स्केटिंग करते हुए ये खेले जाते हैं। ये इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, यहाँ पे पूरे इंतजाम होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त हम काफ़ी ऊपर सा रोड काफ़ी ऊँचा है, उधर से हम पैदल वॉक करते करते हुए आए हैं काफ़ी दोस्त यहाँ पर। और यहाँ पे जो है गाड़ियाँ जो हैं वो सामान इसका क्लोज कर रही हैं। ये पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी वो आप जनरेटर भी चल रहा है। यहाँ पे बड़े इंतजाम थे, लेकिन अभी चूंकि ये कैंसिल हो चुका है, इस वजह से जो है वो दूसरी जगह पे इन्होंने शिफ्ट किया। वहाँ पे दो मैच हैं, अभी देखते हैं, अभी अगर वो हमारा ड्राइवर जो है वो उसने हमें अलाउ किया तो लेके जाएगा। बता रहे हैं ये 14 से 15 किलोमीटर है, लेकिन चूंकि कोस्टर के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मे भी मुश्किल ही जाएँ। ये पीछे लोग जो है ना आग जला कर बैठे हुए हैं, ऐसे ही वैसे इधर बैठना बहुत ही मुश्किल है, चूँकि यहाँ पे माइनस है दर्जा हरारत। तो आपके लिए हम ये मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। आपने हमें बताना है कि आपको ये फेस्टिवल का जो ग्राउंड है, ये आपको इस पर जो व्लॉग है आपको कैसा लगा, आपने कमेंट में हमें राय ज़रूर दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक जो है वो पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।